पूर्वी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नहीं है रेबीज इंजेक्शन, मरीजों को नहीं मिलती है जानकारियां, अस्पताल आकर वापस लौट रहे हैं मरीज। बदमाश अपना रहे हैं लूट के नए नए तरीके। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में नशीला पदार्थ सुंघाकर महिला को किया बेहोश, नकली नोट पकड़कर काकर लूटे असली गहने। जीटीबी अस्पताल का हेल्थ मिनिस्टर ने किया दौरा, सभी विभागों का किया गया निरीक्षण, मरीजों की परेशानियों पर भी दिया गया ध्यान। पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर में फोटोग्राफी की स्टूडियो में हुई चोरी की वारदात, लाखों के सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। और शाहदरा रेलवे ट्रैक पर मिला एक युवक का शव, सूचना के बाद मौके पहुंची है पुलिस, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कुत्तों के काटने पर व्यक्ति को 24 घंटे में एंटी रेबीज इंजेक्शन लग जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, मगर पूर्वी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इसकी किल्लत है। आलम यह है कि मरीजों को एक नहीं बल्कि 3 से 4 अस्पतालों में जाने पर भी इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली में आवारा कुत्तों का खौफ लगातार बढ़ रहा है। रोजाना इन कुत्तों का शिकार हो रहे मरीज अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल के पास एंटी रैबिज के इंजेक्शन ही खत्म हो चुके हैं। बात करें स्वास्थ्य सेवाओं में, पूर्वी दिल्ली के अस्पतालों में एंटी रैबिज इंजेक्शन ही नहीं है। इलाके में आवारा कुत्तों का शिकार बने लोग जब जीटीबी अस्पताल पहुंचे तो उन्हें स्टाफ ने कहा इंजेक्शन खत्म है। अस्पताल में एंटी रैबिज इंजेक्शन ना होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंजेक्शन लगाने के लिए आए रैबिज के जी, नहीं मना कर देते, ये लगाया भी है बेटा बेटा, एक इंजेक्शन लगाया क्या, एक घंटे बाद दिखाते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या कहेंगे ये लोग। डेट पहले डाल के दे दिए इन्होंने कि 4, 7 और 11 तारीख में आपको लगवाने हैं। अब लगेगा कहाँ, नहीं बाहर से लगेगा, अभी मेरे साथ में जाने वाले प्राइवेट लगा लो, प्राइवेट के लिए बोल देते हैं, यहाँ पे इंजेक्शन के लिए साफ मना कर देते हैं। और ये चीज़ ना कम से कम पिछले एक डेढ़ साल से हो रही है, इससे पहले भी मैं आ चुकी, मुझे कुत्ते ने काट लिया था और अभी भी काट लिया है, तो अभी भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पे मना कर देते, कहते हैं जो इसका वैक्सीन होता है ARV वो यहाँ नहीं लगता, अवेलेबल नहीं है, सप्लाई नहीं आ रही। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सप्लाई नहीं आ रही तो गरीब आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आता है, फिर कहाँ जाएगा। लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन मुफ्त लगता है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में एक इंजेक्शन की कीमत 350 रुपए तक है। हाँ, दिक्कत हो तो होती है, बहुत ही दिक्कत है, यहाँ पे मिलता ही नहीं है इंजेक्शन, पूरा नहीं मिलता यहाँ पे। लोनी से आया हूँ और अब ये कह रहे हैं कॉलोनी में जाओ, अब लोनी में नया इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्शन इजिली अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। हम लास्ट टाइम भी आए थे तब भी आने मिला, अब हम प्राइवेट लेके भी आए हैं तो भी उसके बाद ये लगाते नहीं हैं, कहते कि प्राइवेट आप बाहर से रहो यहाँ नहीं लगेगा, पहले आप परमिशन लेके आओ। और यूपी से आया हूँ, हमारे यहाँ गांव में सरकारी अस्पताल है और उसने इसके लिए रेफर कर दिया, यहाँ लिख दी थी, वहाँ मिला नहीं, तो हम गरीब आदमी हम क्या करेंगे, इधर आए इधर भी नहीं, अब तो सारे दिन परेशान हो लिए, अब क्या करें हम, वो इंजेक्शन लगा नहीं, 3 बार टेस्ट करा, 2 बार तो टेस्ट करके अब इंजेक्शन बता नहीं रहे हैं, तो क्या करें। ये हालात है जीटीबी अस्पताल के, लेकिन आपको बता दें सिर्फ जीटीबी अस्पताल ही नहीं बल्कि पूर्वी दिल्ली के हेड गेवार अस्पताल हो या फिर स्वामी दयानंद अस्पताल, इन दोनों अस्पतालों में भी एंटी रैबिज के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। इस मामले पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत की है हमने कि रेबीज के इंजेक्शन हमने दिलवा दीजिए, हम लेने को तैयार हैं, कहीं भी मिलते हो आप हमें बता दीजिएगा, हम खरीदने को तैयार हैं, मिल ही नहीं रहे, सिर्फ यहीं पर दिक्कत नहीं है, पूरे देश में दिक्कत है। और यहाँ पर जो पेशेंट्स आ रहे हैं सिर्फ दिल्ली के नहीं हैं, दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर तक के पेशेंट हैं। अभी हमने पीछे काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में रेबीज़ के इंजेक्शन पूरे जितना भी अवेलेबल था सारा स्टॉक लिया था, 2 महीने में सारा स्टॉक खत्म हो गया था। दोबारा से अभी चेन्नई में पता लगा है किसी कंपनी के पास है, ले रहे हैं, 2-4 दिन में आ जाएंगे और हम आशा करते हैं कि सप्लाई में दिक्कत ना हो।
अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या लोगों को कुत्ते के खौफ में जीने पर मजबूर होना पड़ेगा या फिर प्रशासन इस समस्या का कोई समाधान निकालेगी। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद है। कहीं हत्या, कहीं लूटपाट, तो कहीं महिलाओं के साथ सरेआम स्नैचिंग मानो आम सी बात हो गई हो। पुलिस प्रशासन भी इस पर नकेल कसने में नाकाम सा साबित दिखाई दे रहा है। जनता परेशान है। पांडव नगर इलाके में सारे रहा एक बुजुर्ग महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया गया और फिर नकली नोटों का पकड़ा कर असली गहने उसके लूट लिए गए और लोग फरार हो गए। इस घटना को देखकर लगता है कि जैसे पुलिस के नाम का जरा सा भी खौफ अब बदमाशों को नहीं रह गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जीटीबी अस्पताल का दौरा किया है। उन्होंने अस्पताल में आए मरीजों से पूछा कि क्या उन्हें अस्पतालों में सुविधाएं मिल रही हैं, तो मरीजों ने उनको दवाइयां ना मिलने जैसी कई समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह साफ कर दिया कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। अभी मैं जीटीबी हॉस्पिटल को विजिट करने आया। यहाँ पर ऑर्थोपेडिक ओपीडी, सर्जरी ओपीडी, डेंटल सभी ओपीडीज में मैं गया हूँ, इमरजेंसीज में गया हूँ, सर्जरी डिपार्टमेंट में गया। और जो इन्होंने एक नई इमरजेंसी बनाई है जिसमें कि इमरजेंसी से पहले भी पेशेंट को रखा जाता है, वहाँ पर भी गया हूँ। ओवरऑल सेटिस्फेक्ट्री है। कुछ चीज़ें उनके लिए मैंने कहा है इनको करने के लिए, ठीक करने के लिए। कुछ जगह पर जैसे बेड हैं बहुत पुराने हैं, तो डॉक्टर साहब ने वादा किया कि 1.5 महीने के अंदर सारे चेंज हो जाएंगे। और जैसे बीपी मशीन थी तो डॉक्टर्स बीपी चेक कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि बड़ी वाली अच्छी वाली मशीनें ले लीजिएगा और वो सब जगह लगा दी जाएंगी। एंड काफ़ी पेशेंट से बात की है, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल ठीक है, पर पेशेंट्स की भीड़ बहुत है। इस अस्पताल में कम से कम 30 बारी तो मैं आ चुका हूँ, तो 30 बारी तो इलेक्शन नहीं हो रहे थे। इलेक्शन का इस बात से कोई संबंध नहीं है। जनता के कामों के लिए जब तक हम फील्ड में नहीं उतरेंगे तब तक काम ठीक से नहीं हो सकते हैं, और हमेशा चलते रहते हैं। अभी डॉक्टर साहब के साथ बैठ के अब आप लोगों को चले जाएंगे, उसके बाद कई सारी डिस्कस करने हैं। रेनोवेशन का जो प्लान है, रेनोवेशन प्लान इज पेंडिंग, लॉन्ग पेंडिंग है, उसको करना है, जल्द से जल्द उसको तैयार करना है। इशू जो आ रहा है सबसे बड़ा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, बस और कोई इशू नहीं है। इलाज बहुत अच्छी तरह हो रहा है। मैंने कितने पेशेंट से पूछा है, अब योगी जो दवाई दे नहीं रहे, अब वो खुर्जा से बेचारी आई है, खुर्जा से दिल्ली आना पड़ता है, 8 घंटे लगते हैं, वहाँ पे दवाई मिल जाती है, यहाँ नहीं आना पड़ता। अब देखिए 70% पेशेंट जो है दिल्ली से नहीं यूपी के हैं। हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, सबको टोकन दे रहे हैं, वेटिंग के लिए समय लग रहा है। बहुत बड़ी समस्या है मेरे लिए कि दिल्ली, देखिए मैडम ऐसा नहीं है, आप ये तो ऐसे अफवाह फैलाने वाली बात है। दवाइयाँ यहाँ पे 2 बजे तक का टाइम है, 4 बजे तक खुला रहता है काउंटर, साहब सबको दवाइयाँ देते हैं। कोई भी हो, दिल्ली का पेशेंट हो, दिल्ली से बाहर का हो, सबको देना पड़ रही है। दवा तो मिलेंगे लेकिन 1 दिन के पता 4 दिन लग जाते हैं, देखते देखते उठ के चले जाते हैं डॉक्टर, जल्दी सुनवाने करते हैं, 3 दिन 4 दिन जाते हैं तब देखते हैं। अभी तो मिले हैं टोकन, आप पता नहीं दवाई मिलेगी हम लोगों को, अब बैठे हैं इसीलिए तो बैठे हम लोग, दवाई शाम को मिलेगी क्योंकि टोकन नंबर बीच में से लोग बीच में मिलती, हमें भी मिलती दवाई, अब हम आज का नंबर निकल गया, कल तो हम आज आए, अब हमारा नंबर निकल गया, बोले 130 के बाद आना, हम बैठे हुए हैं, चले जाते हैं, आप यहाँ से उठ उठ कर चले जाते हैं, घंटों नहीं आते। सारे काउंटर खोल गए दवाइयों के, और ये टोकन मशीन भी 12 बजे बंद हो जाती है, जो कि अब तक खुली हुई है आज, हाँ आज खुली हुई है, आप पता नहीं किस लिए खुली है ये, तो यार थे 12 बजे टोकन बंद कर देते हैं। अगर ये मानो 12 बजे डॉक्टर के पास है पेशेंट, तो क्या दोबारा आएगा नहीं वो टोकन लेने के लिए। पूर्वी दिल्ली के ज्वालानगर इलाके में मंगलवार सुबह 5 बजे के करीब 3 चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया है। दरअसल ये चोरी का एक फोटोग्राफी के स्टूडियो में हुई है, और जहां लाखों के कैमरे रखे हुए थे, चोरों ने 3 कैमरे, 2 LCD और नकदी समेत तमाम सामान पर हाथ साफ कर चले गए हैं। ये सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। पहले तो चोरों ने यहाँ पे कैमरे चोरी किए हैं, फिर उसके बाद वो मेरे पोर्शन में गए हैं, उन्होंने वहाँ से ड्रेसेस, जैसे मिलिट्री की ड्रेसेस होती हैं बच्चों की, रेंट पर जाती हैं वो, और अब जो 15 अगस्त के अकॉर्डिंग जितना ही मटेरियल वो लेके गए हैं, पिस्टल्स वगैरह लेके गए हैं, और बाकी मैंने थोड़ी हल्की फुल्की ज्वेलरी भी रखी थी आर्टिफिशियल, वो भी लेके गए हैं यहाँ से। चोर ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, उसके हाथ में जो आया उसने वो लिया है यहाँ से। सबसे पहले उसने इस वाले पोर्शन से मोटा मोटा सामान उठाया, फिर मेरे पोर्शन में गया, उसके हाथ में जो उसे अच्छा लगा उसने वो समेटा है वहाँ से। अब हम ये चाहते हैं पुलिस से कि देखिए हमारा जो सामान गया ठीक है गया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मिल जाए, हमें कैसे भी करके हमें सामान मिल जाए, क्योंकि अब
मेरा भी सीज़न आने वाला है और यहाँ मेरे जो हस्बैंड हैं उनका भी फ़ोटोग्राफी काम है, उनके भी फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। अब ये बताइए ना कि अभी हमारे पास हमारे कैमरे थे, मेन वही चीज़ थी, वही चोरी होगी तो हम काम कैसे करें। यहाँ पर हम आज सुबह जब मैं 11 बजे करीब आया तो यहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ था, LCD बिखरी हुई थी, कंप्यूटर जो उसका पीस हुए बाहर था, वहाँ का सारा काउंटर बिखरा तोड़ रखा सारा। और जब मैं आया तो दोनों कैमरे और एक नीचे का तीनों कैमरे नहीं थे, यहाँ एक LCD गई है, तीन कैमरे गए हैं और जो गले में पैसे पड़े थे कैश 500-600 रुपये वो गए हैं, जो बच्चों के सामान था वो भी चला गया, कपड़े वपड़े भी गए हैं। मैडम हमारी जो मतलब लागत का जो सामान गया है, मेन मोटा मोटा हमारे तीन कैमरे गए हैं और एक LCD गई है और एक पार्टी की एल्बम बनी हुई थी वो गई है और कुछ सामान फैंसी ड्रेस का था वो गया है। तो करीब मोटा मोटा मतलब कैमरे का जो अमाउंट है 5 लाख रुपए के आसपास है, बाकी तो छोटे मोटे का कोई अमाउंट नहीं है। बाकी उन्होंने गल्ला भी तोड़ा, उसमें भी कैश ज़्यादा नहीं पड़ा था, 400-500 रुपये पड़े थे बस। पूर्वी दिल्ली के शारदा रेलवे स्टेशन के पास पट्टी पर एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला है, जिसके बाद मौके पहुंचे लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई है। जानकारी हुई कि एक डेड बॉडी लाइन पर पड़ी हुई है और हादसा हो गया ट्रेन से, बड़े दुख की बात है ये तो सभी जानते हैं। लेकिन ये है कि मैं तो ये एक अपील करूँगा रेलवे से कि अपनी एक वॉन्ड्री वॉल वगैरह हो जाए, जिससे कि ये इस तरीके के हादसे वगैरह ऊपर चढ़ने उतरने में भी लोगों को जो हादसे हो जाते हैं वो टलेंगे। और मैं तो एक और अपील करूँगा, लोकल के लोग तो खैर देख रेख करते ही हैं और पुलिस स्टाफ भी देख रेख करता ही रहता है, लेकिन वॉन्ड्री वॉल से एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ये करीबन कोई 4-5 घंटे हो गए इस गाड़ी को पड़े हुए और यहाँ पर आए दिन रोज़ हादसे होते ही रहते हैं रेलवे लाइन पे। अगर इसकी बाउंड्री हो जाए तो हम लोगों को ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं, बाहर के लोग भी आकर इस लाइन पे कटते जाते, ऐसा कोई दिन जाता है कि जहाँ लाइन पे प्रतिदिन कोई ना कोई घटना ना होती हो। ऐसे यहाँ पर रोज का नियम है और मैं रेलवे प्रशासन से एक इंक्वायरी करता हूँ कि किसी प्रकार से अगर इस बाउंड्री को पास कर दें तो इससे काफ़ी प्रकार की सुरक्षा मिलेगी आम जनता को भी और यहाँ के निवासियों को भी। इस समय हम मौजूद है पूर्वी दिल्ली के शाहदरा रेलवे ट्रैक पर, जहाँ पे एक युवक की संदिग्ध हालत में एक शव मिला है और पुलिस जांच में जुट चुकी है और मौके पर पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और साथ में एम्बुलेंस भी यहाँ पर आई हुई है और शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस आगे की तफ्तीश में जारी है और अभी कुछ कारण नहीं कहा जा सकता कि किस वजह से इस व्यक्ति की जो मौत हुई है। कैमरामैन ललित के साथ कुणाल शर्मा, CCN न्यूज़ दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़ुमा कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बैंक अकाउंट से 35,000 रुपए फ्रॉड तरीके से निकालने का मामला सामने आया है। आपको बता दें जज मुनीश गर्ग का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक की राधेपुरी ब्रांच में है। जिस समय वो सोने के लिए जा रहे थे उसी वक्त मोबाइल पर 10,000 रुपए निकलने का एक मैसेज आता है, जिसके बाद वो PNB के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर इस पैसे निकालने की जानकारी ग्राहक प्रतिनिधि को देते हैं, पर ग्राहक प्रतिनिधि उन्हें बताता है कि उनके खाते में 25,000 रुपये हैं और निकले हैं, जिसकी जानकारी भी उन्हें नहीं होती है। जज मुनीश गर्ग ने पुलिस को बताया कि उन्होंने आज तक अपने डेबिट कार्ड संबंधित जानकारी किसी के साथ भी साझा नहीं की है और ना ही नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उनके खाते से इस तरह पैसों का निकलना कहीं ना कहीं बैंकों में खाते की सुरक्षा पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल फर्श बाजार पुलिस इस पूरे मामले की FIR दर्ज करके आगे की जांच में जुट गई है। पूर्वी दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए बस और मेट्रो की सवारी मुफ्त करने की योजना का स्वागत तो किया, लेकिन लोगों ने सरकार की इस स्कीम पर तमाम सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि योजना लाने से पहले सर्विस ठीक की जानी चाहिए, बसों मेट्रो की संख्या बढ़ानी चाहिए, योजना लागू होने के बाद इनमें भीड़ बढ़ जाएगी। वहीं महिलाओं का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा, कई सफ़र करने में बहुत किराया लग जाता है, इस योजना से जेब खर्च में राहत मिलेगी। ये सिर्फ एक आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं, एक चुनावी वायदे हैं जो जमीनी स्तर पर पूरा होना बहुत असंभव है और मुझे पूरा यकीन है केजरीवाल जी ये कह देंगे कुछ दिन बाद में कि जी हमने तो ये योजनाएं लाई थी, लेकिन क्या करें मोदी जी ने इसको किया नहीं है। महिलाओं के लिए हो रहा तो बढ़िया है मैम, इससे बेटर है जो नौकरी पैसे आदमी सारे हैं, इतना मेट्रो का किराया है आज बेटर है कि उस मेट्रो के किराए को कम करो ना। भार तो एक्चुअली हम सबके हम लोगों पर बढ़ना है, जो लॉस आएगा वो सरकार भरेगी, वो पे हम करेंगे सब।
अल्टीमेटली घूम फिर के पे तो हम इसी करना। आज इतना दो दो हजार रुपया बर्डन पड़ रहा है, ढाई ढाई हजार रुपये किराया बढ़ रहा है, वो तो ईजी है नो डाउट, महिलाओं के लिए कोई आपत्ति नहीं उसमें, लेकिन किराया इतना रखो ना कि सभी सफ़र ना करें। आज इतना किराया बढ़ा हुआ है, सफ़र तो कर ही रहे ना हम लोग, पता नहीं लोगों को लुभाने के लिए कुछ भी कर दो। तो मेरे को तो ये समझ में आ रहा है चुनाव आने वाले हैं, कुछ भी वो फ्रीबीज दे दो। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो अननेसेसरी लोग निकलने शुरू कर देंगे कि यार फ्री हो रहा है तो हम वहाँ पे चलें। हाँ ये ज़रूर है कि मतलब जिनको लग रहा है कि बस में जाना है तो मैं मेट्रो में चले जाऊँ, इतना थोड़ा सा बंदा चेंज कर सकता है अपने आप को। हाँ तो हो सकता है थोड़ा चेंज, थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा कि भीड़ बढ़ेगी उसमें, कि जो बस में जा रहा है और जिसको लगा फ्री में इसमें मिल रहा है तो वो सारा इसकी तरफ भागेगा, बसेस खाली हो जाएंगी इसमें। मैंने ये एक राजनीतिक स्टंट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मेट्रो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है, उसमें हमारी जो सरकार है वो ये गलत डिसीजन ले रही है। और इससे क्या होगा कि मेट्रो जो आज वर्ल्ड लेवल पे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारी राजधानी, वो हम पिछड़ जाएंगे, क्योंकि अब बस में जाने वाला आदमी मेट्रो को चूज करेगा और मेट्रो में पहले ही बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारी राजधानी बहुत पीछे चली जाएगी। बहुत अच्छा किया, पहले नंबर तो ये है कि हमारे जो सारे वुमेंस के लिए जो जितने धक्के वगैरह खा के जाना होता है और पैसे के लिए जितनी जो भी हो तो उसके लिए बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। जो लोग पावर्टी लाइन से बिलो जो विमेन है लेबर क्लास की, उनके लिए तो बहुत ही एक अच्छा हो गया है। हु आर अर्निंग, हु आर द ओनली सोल अर्निंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। हम लोग जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं दे विल पे फॉर द राइड, दैट्स ऑल राइट, बट जिन लोगों जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए आई फील इट्स अ गुड स्टेप। बहुत फायदेमंद होगा, बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये जी। काफ़ी इससे मतलब लेडीज़ को जो ऑफिस आते जाते हैं या कहीं भी आना जाना जाता है तो उनके लिए तो प्रॉफिट एक तरह से बेनिफिशियल है, तो हाँ अच्छी स्कीम है ये। भीड़ तो नॉर्मली जैसे होती है वैसे ही रहेगी, बट एक तरह से बेनिफिशियल है लेडीज़ के लिए, मतलब काफ़ी उससे उन्हें हेल्प होगी, काफ़ी हेल्प है इससे। मेट्रो के अंदर महिला जब ये जो इन्होंने रेट बढ़ाए थे, दो बारी रेट बढ़ाए, उसकी वजह से काफ़ी राइडरशिप कम हो गई। दो साल पहले मेट्रो के अंदर 32 लाख लोग ट्रेवल करते थे, उसके बाद मेट्रो की जो नेटवर्क है डेढ़ गुना हो गया, 213 किलोमीटर था 327 किलोमीटर हो गया, डेढ़ गुने से भी ज़्यादा हो गया, 55% बढ़ गया। तो 32 लाख के ऊपर अगर डेढ़ गुना होता तो 48 लाख लोग होने चाहिए थे, 48 लाख ना होकर 24 लाख की राइडरशिप है। मतलब आप ये देखिएगा जहाँ पर 48 लाख लोग होने चाहिए 24 लाख हैं, तो 24 लाख हैं, तो इसलिए हमने कहा कि दिल्ली के अंदर महिलाएँ सबसे ज़्यादा इससे पीड़ित, रेट से महिलाएँ पीड़ित हैं। आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, अब बच्चा हो या बुजुर्ग, हर कोई टीवी और मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं जी पाता है। सिर्फ इसी की वजह से अधिकतर लोगों की आंखों पर कम उम्र में चश्मा लग जाता है। ठीक इसी परेशानी पर ध्यान देते हुए पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। लोगों ने डॉक्टर्स से आँख से जुड़ी परेशानियों को ठीक करने के लिए सुझाव दिए। इलाज कराने आए लोगों ने कहा कि इस तरह के कैंप का आयोजन होते रहना चाहिए, और वहीं आयोजकों का कहना है कि इस तरह के कैंप की मदद से गरीबों को मदद मिलती है। एक फ्री आई चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें दिल्ली के मशहूर डॉक्टर श्रॉफ ने यहाँ पर सब पेशेंट को देखा और उनको ऑपरेशन की डेट दी। मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग सामाजिक कार्यों में अपना भाग देंगे, जिससे सभी को इसका फ़ायदा पहुँचे। पिछले 9-10 साल से इसमें काम कर रही है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटेबल आई हॉस्पिटल से, जो है लगभग हमने अब तक हमारा 14वां कैंप है जिसमें चल रहे लगभग 700 से 800 ऑपरेशन हम लोग करा चुके हैं। सर में दर्द जो बच्चों का मेन कारण है वो मोबाइल फ़ोन है, जो कि बच्चे आजकल टीवी और मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा लगे रहते हैं, जिसके कारण उनको ये डिप्रेशन की, आइज़ की प्रॉब्लम जो ज़्यादा आ रही है। उसके लिए यहाँ पर इनको अवेयर करवाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम के लिए आप फ़ोन को यूज़ करो बच्चों के लिए। टीवी के कारण बच्चों की आई साइट बहुत वीक हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, लोग डॉक्टर के पास पहुँच नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं इस माध्यम से, कैंप से, हम उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को अवेयर करें, और जो सफ़ेद मोतिया है जो आज के टाइम में परेशानी बनी हुई है, हम चाहते हैं उसको जमुना बार के अंदर तो कम से कम फ्री करें, ऐसे कैंप लगवा कर। बहुत अच्छे से चेकअप हुआ आई साइड के, हमने पहले भी इस गुरुद्वारे में कैंप लगवाए हैं, लेकिन इस दफ़ा जो सारे पेशेंट को बड़े प्यार से, अच्छी तरह और बड़ी गंभीरता से चेक किया गया, उससे सारे हमारे जो अभी पेशेंट हैं वो बता रहे हैं कि हमें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि ज़्यादा टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल करने से इनकी दूर की जो नज़र है वो वीक हो गई है, और अगर अभी इलाज ना कराया जाए तो ज़्यादा वीक हो जाएगी। इसलिए बहुत ही अच्छा ये जो है कैंप का जो इन्होंने किया है, बहुत ही बढ़िया है।
और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।